हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज फाइनली मैं आप लोगों को अपना ऑफिस दिखाने जा रही हूँ। सो टुडे आई हैव दिस क्यूट फेस। तो वो दिख रहा है हमारा ऑफिस पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों के पास। वी हैव रीच्ड एंड दिस इज गेट 2। यहाँ से शायद एंट्री नहीं होती है, पता नहीं, हम कभी गए नहीं। और एक गेट 3 है ना, वो पार्किंग वाला। गेट 3 से गाड़ी वाले लोग जा सकते हैं, बट उसमें हेलमेट कंपलसरी है और हम आज तक हेलमेट खरीद नहीं पाए हैं। तो हम जाएंगे गेट 1 से। गेट 1 से वो लोग जाते हैं जो पैदल होते हैं, जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। सो आई थिंक टोटल गेट 6, मतलब 6 गेट्स हैं इन्फोसिस में, एंड वी आर एंटरिंग फ्रॉम गेट 1। दिस इज गेट 1। आज हमें काफी लोग दिख रहे हैं क्योंकि आज पहली बार हम टाइम पे आए हैं। क्यों श्रेया, आज हम टाइम पे आए हैं। सो वी एंटर, यहां पे बैग चेक होते हैं एंड एंट्री होती है विद योर आईडी कार्ड एंड स्कैन किया आपकी अटेंडेंस, मतलब मेरा लॉगिन टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। दिस इज SDB 6। वैसे तो आप किसी भी SDB में जाके बैठ सकते हो, बट दिस इज आवर फेवरेट बिल्डिंग बिकॉज ये हमेशा खाली रहती है। सो हम भी यहाँ पे जाएंगे एंड हम थोड़ा काम करेंगे। दिस इज द लिफ्ट। कमॉन श्रेया, दम दम मस्त है। एक स्टेप प्लीज। यो। सो वी हैव रीच्ड ऑन आवर फेवरेट फ्लोर एंड यहाँ से आई विल शो यू गाइज व्यू। आज वेदर बहुत ज़्यादा प्यारा है। आज बारिश होने की संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा और हवा चल रही है। सो यहाँ से आप पूरा ऑफिस देख सकते हैं। बस सारी SDB का सेम ही स्ट्रक्चर है, सब जगह इसी टाइप के क्यूबिकल्स बने हुए हैं। सो यहाँ पे आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, मतलब कोई सा भी क्यूबिकल चूज करो एंड बैठ जाओ। ये इसकी प्रेफरेंस है, यहाँ पे बैठते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं अब। कॉफ़ी ब्रेक। ये लड़की अभी तक टाइम पास कर रही है बिकॉज बेचारी की शिफ्ट का टाइम ही नहीं हुआ है। जा रहे हैं लंच करने बिकॉज इट्स लंच टाइम। नहीं, इट्स नॉट लंच टाइम, बट हम थोड़ा पहले जा रहे हैं बिकॉज लंच टाइम पे ना बहुत भीड़ हो जाती है। सो वैसे तो हम लंच कहीं भी कर सकते हैं, इवन यहाँ भी इन टेबल्स पर भी, लेकिन हम लंच वाला फील लेने के लिए IBPM जाएंगे। यहाँ से नज़ारा सी, इसी की बात कर रही थी मैं। कहाँ गई? हाँ, सो दिस इज दैट कैंटीन काइंड ऑफ जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी ये खाली है बिकॉज हम काफ़ी टाइम से पहले आ गए एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द रूफ टॉप। वो वहाँ बाहर जाके बैठ सकते हैं, बट पानी गिर रहा है तो हम नहीं जाएंगे। उधर बैठते ना, खिड़की साइड, ठीक है। इधर साइड बहुत सारी शॉप्स हैं, केटरर्स हैं, जहाँ पे मतलब A to Z जो चाहिए सारा सामान मिलता है। इधर इधर सो वी विल सिट हियर। सो वैसे तो हम कई बार कैंटीन का खाते हैं, बट आज हम लंच लेके आए हैं। So we'll have lunch. So we'll have lunch. Then उसके बाद अगर बारिश रुकती है then I'll show you full campus. तो हमारा lunch हो गया है and see the crowd now. बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया यहाँ पे, और अभी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लिटरली लोग खड़े हो गए खाएंगे बिकॉज यहाँ पे सबसे बेस्ट खाना मिलता है इस वाली बिल्डिंग में। सो मोस्टली लोग यहीं पर आते हैं। वी आर गोइंग आउट, बारिश बंद हो गई है एंड बहुत ही ऑसम मौसम हो रहा है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी
मेरे कुछ फेवरेट स्पॉट्स, लाइक आई हैव टॉप 3 फेवरेट स्पॉट्स. वैसे तो कैंपस बहुत बड़ा है, आई डोंट नो आई विल एबल टू कवर और नॉट. सो दैट इज़ वो जो वहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ गेट 4 आई गेस. या दैट इज़ गेट 4. वहाँ पे कैब्स एंड बसेस से जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वहाँ से उनकी एंट्रीज होती हैं. देन आई एम गोना शो यू सम ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स. सो माई फेवरेट स्पॉट नंबर 1 इज़ दिस. यहाँ मैं जाके दिखाऊंगी. ओवर देयर दैट इज़ FC4. वहाँ भी हम चलेंगे अभी, बट लेट मी शो यू माई फेवरेट स्पॉट नंबर 1. सो आई लव नेचर अ लॉट, ग्रीनरी, पानी और आसमान, दीज आर माई प्रेफरेंसेस. सो ये वाली जो जगह है ना, ये इट्स काइंड ऑफ अ पार्क या पता नहीं क्या है ये, बट मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एकदम ठंडा ठंडा एंड बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ माई टॉप फेवरेट स्पॉट्स इन माई ऑफिस. ये हमारी कोई CSDB होगी. सो अब हम यहाँ से चलते हैं एंड लेट मी शो यू समथिंग एल्स. चलो, कहाँ जा रहे हैं? FC4. FC4 मीन्स फूड कोर्ट 4. सो वहाँ से मैं एक फूड कोर्ट दिखाऊंगी. सारे फूड कोर्ट्स वैसे ही हैं ऑलमोस्ट, बस स्ट्रक्चर सेम है. तो हर मतलब सारी चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे, डोमिनोज, मैकडी वगैरह, केटरिंग, लोकल शॉप्स, बहुत सारी चीज़ें, एंड एवरीथिंग इज़ ऑन कंसेशन वाले रेट पर है एम्प्लॉयज़ के लिए. मार्केट रेट से थोड़ा कम में मिलता है सारा खाना एंड ऑल. एंड FC2 में तो कपड़े वगैरह की भी स्टॉल्स लगती है, ऐसे कपड़े और नॉर्मल घर की यूटिलिटीज़, वहाँ से वो चीज़ें भी खरीद सकते हो. तो ये आ गए हम फूड कोर्ट 4. इस पर सेकेंड मंजिल भी है, सेकेंड स्टोरी है. एंड यहाँ पे भी अभी काफ़ी भीड़ है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम होने वाला है. सो काफ़ी भीड़ है एंड लोग मुझे घूर रहे हैं. तब हम यहाँ से दूसरी तरफ की तरफ निकलेंगे एंड देन आई शो यू सम यूटिलिटीज़ एंड माई फेवरेट स्पॉट नंबर 2. सो दिस इज़ FC4. यहाँ पे सामने ये कोई दूसरी SDB होगी. मुझे अभी तक प्रॉपर रास्ता याद नहीं हुआ है किसी भी जगह का, एंड मैंने खुद नहीं एक्चुअली अभी तक होल कैंपस नहीं देखा है. आज मैं खुद देखने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें नई नई, जैसे ये रास्ता भी अभी डिस्कवर किया है हमने, ये नहीं पता था हमें. तो ये आ गए हम फूड कोर्ट 4. इस पर सेकेंड मंजिल भी है, सेकेंड स्टोरी है. एंड यहाँ पे भी अभी काफ़ी भीड़ है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम होने वाला है. सो काफ़ी भीड़ है एंड लोग मुझे घूर रहे हैं. तब हम यहाँ से दूसरी तरफ की तरफ निकलेंगे एंड देन आई शो यू सम यूटिलिटीज़ एंड माई फेवरेट स्पॉट नंबर 2. सो ये हम FC4 से निकले. देन दिस इज़ सेकेंड थिंग, ये है एम्फी थिएटर. सो यहाँ कुछ इवेंट्स होते हैं एंड DJ होता है. एक दिन चल रहा था DJ. फ्राइडे फन फ्राइडेज होते हैं. कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी यहाँ पे. सो ये एम्फी थिएटर है एंड ग्रीनरी तो बिल्कुल रास्ते में चलते हुए काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी. सो नाउ वी आर गोइंग. अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन AC से चलते हैं ना वहाँ पे, मतलब दिखाते हैं पहले. ये जिन लोगों ने पेड़ लगाए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं. यार मुझे भी लगाना है पेड़ ऐसे. ये क्या रखा हुआ है टप में? पता नहीं, ले उसमें लिखा है ना ट्री प्लांटेड बाय करके कुछ. ठीक है, ये भी SDB है बट इस SDB के नीचे बिस्तरों है. खाने पीने की तो बाप रे अनलिमिटेड जगह है. जिस बिस्तरों यहाँ पे नॉन वेज मिलता है वो वहाँ पे मिलता है. हाँ वहाँ पे मिलता है क्या? ठीक है, हर जगह मिलता है मुझे लग, बट यहाँ पे मोस्टली नॉन वेज वेराइटी है. एक बार जब आई थी मैं तब देखा था मैंने. दिस इज़ SDB 11. ये शायद आखिरी SDP है. 11 नंबर तक SDBs हैं हमारे पास. सो नेक्स्ट इज दिस फाउंटेन. हाय. एंड देन दिस इज़ SDB 10. यहाँ पे भी कुछ है शायद, पता नहीं क्या है. हाँ, दैट इज़ क्रिकेट ग्राउंड. इसके उस साइड हम
मेरी चलने की इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वहां तक जाऊं। छतरी से थोड़ी ही छोटी है, राइट, पोपटलाल की छतरी। अब हम आ गए हैं थोड़े से यूटिलिटीज़ वाले एरिया में। यहाँ पे है हमारी एम्प्लॉय केयर सेंटर एंड उसके सामने बहुत सारे गेम्स हैं, वो मैं दिखाऊंगी अभी। दैट इज़ मल्टी लेवल पार्किंग, वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहीं पे शायद गेट 4 है, नहीं वहाँ पे गेट 3 है। पीपल आर वॉचिंग मी यार, सीरियसली। हाँ, तब हम आ गए नीचे। ये रहा हमारा क्रिकेट ग्राउंड, या ये फुटबॉल, ये कौन सा ग्राउंड है बे? फुटबॉल ग्राउंड है, ये फुटबॉल है शायद, ये फुटबॉल है ना, क्रिकेट ग्राउंड अलग जगह है। हाँ, ये वाला फुटबॉल ग्राउंड है यार। ठीक है, चलेंगे वहाँ तक, चल थोड़ा सा देख के आते हैं। यार आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो मस्त मस्त हवा चल रही है, तो यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी ट्रीज। हाँ, हो सकता है दोनों ही है ये। तो ये है, पता नहीं। हाँ, ये फुटबॉल ग्राउंड है, बिकॉज वो दिख रहा है ना गोल वाला, ये फुटबॉल ग्राउंड ही है। और बट इसमें ये जो बाउंड्री लगी है, यहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ क्रिकेट ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड। वो सामने जो दिख रही हैं, दोज आर SDBs, दूसरे SDBs होंगी। एंड वो जो गोले वाली बिल्डिंग है ना, ये तो हमें आज तक पता नहीं चला कि वहाँ पे क्या होता है। वी आर जस्ट गेसिंग कि मे बी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है शायद। यहाँ बेंचेस दी हुई हैं इन जैसे लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट में नहीं रहते। ये लोग यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर SDB। ये कौन सी SDB है? 9। दिस इज़ SDB 9। मुझे आज पता चला है 9 यहाँ पे। क्रिकेट ग्राउंड के पीछे भी 2-3 SDBs बनी हुई हैं। एंड ये जो बिल्डिंग दिख रही है, सब कुछ पेड़ों से ढका हुआ है यार, एक तो कुछ भी ढंग से दिखता नहीं है। तो इसके पीछे जो बिल्डिंग है, दैट इज़ ECC, विच इज़ द मेन हाईलाइट। ECC इज़ बेसिकली एम्प्लॉय केयर सेंटर, जहाँ पे जब कोई फ्रेशर आता है या कोई फर्स्ट टाइम रिलोकेट करता है, तो 7 days का उसको फ्री स्टे मिलता है। एंड दोज रूम्स आर काइंड ऑफ 5-star होटल रूम्स। एंड ECC के पीछे मेरा फेवरेट स्पॉट नंबर 2 है। हाँ, ओके, ऊपर करके दिखाती हूँ। दिस इज़ ECC। सो काफ़ी लंबी बिल्डिंग है यार, मतलब एक फ्लोर पे ऑलमोस्ट 100 and 152 रूम्स हैं। इधर 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 चलते हैं पहले। हैं सच में है, मैंने गिने हैं ना, उसमें रूम नंबर लिखे थे ना, 100 इस साइड है, 100 उस साइड है, ऑलमोस्ट 200 रूम्स हैं एक फ्लोर पे। सो यहाँ से ECC का एंट्रेंस है, और यहाँ पे बहुत एमिनिटीज़ दी हुई हैं, जिनका आज तक हमने किसी एम्प्लॉय को यूज़ करते अभी तक तो नहीं देखा। बट ये सब फ्री है, मतलब खेल तो सकते हैं इधर। दिस इज़ बास्केटबॉल। इधर चलना। सो गाइज, दिस इज़ बास्केटबॉल कोर्ट। थक गई हमारी लड़की बहुत ज़्यादा। सारा लंच बिल्कुल, तुम चलो छाते के साथ। हाँ, जू जैसा फील होता है इधर पे। फिर उसके बाद ये एक स्पोर्ट है, ये क्या है? दिस इज़ टेनिस कोर्ट, ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे। दो टेनिस कोर्ट मिल जाते हैं सर आपको यहाँ पे, एक ये और एक ये। सो 2 टेनिस कोर्ट। चलो, बहुत प्यारे से सिटिंग स्पॉट्स, एंड दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट टू। दिस इज स्विमिंग पूल। तो ये सब चालू है, मतलब आई गेस यहाँ पे कर सकते हैं स्विमिंग। And this is shower room, and that is मतलब sections बने हुए हैं वहाँ ladies का या gents का है। And this is ECC employee care center, जिसकी मैं बात करी थी। यहाँ से पूरी building दिखती है, जो खिड़कियाँ हैं these are rooms। So this is our ECC building। तो पहली बार आई है यहाँ पे?
जूम करो एकदम एकदम जूम कर नो नो अगर ये अगली है तो अगर ये अगली है तो मतलब यार फिर गाइस प्लीज टेल इन कमेंट्स इज दिस अगली इज दिस फेस अगली से बोल श्रेया का ये सजेशन है कि अगर आपको इन्फोसिस में करके मिल जाता है तो यहाँ पे यू कैन यस यहाँ पे आप डेट पे बुला सकते हो किसी को भी आप प्रोफेशनल डेट ओनली इन्फोसिस आर अलाउड हियर सो नाउ वी विल गो इनसाइड द ACC एंड मैं दिखाऊंगी कुछ बहुत ही बेहतरीन एमिनिटीज एंड माय फेवरेट स्पॉट नंबर 3 इलेक्ट्रिक कार चलती हैं बट ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स और जो लोग ECC में रहने आते हैं उनके लिए ही अवेलेबल हैं हर किसी को ये बिठाती नहीं है जिनके पास मतलब सामान होता है जो सामान लेकर के रहने आते हैं इस बिल्डिंग्स में उनके लिए ही अवेलेबल है वी हैव एम्बुलेंस फॉर इमरजेंसीज सो दिस इज आवर ECC बिल्डिंग क्या हवा चल रही है यार चलो 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 उस तरफ दिस इज रिसेप्शन यहाँ पे भी एक और कोई सा रॉयल वाला कैफे है दीज आर टाइमिंग्स मतलब घड़ी लगी हुई है अलग अलग टाइम के हिसाब से एंड ऊपर वाले फ्लोर में रूम्स हैं एंड दिस इज माई फेवरेट स्पॉट नंबर 3 जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन एंड यहाँ पर जितनी तेज़ हवा चलती है वहाँ इतनी कहीं नहीं चलती अब ये लड़की स्नैप बनाएगी यहाँ का अब यहाँ से जब अपन आगे जाते हैं ना तो एक बिल्डिंग है दैट इज़ फॉर ट्रेनिंग सेंटर एंड वहाँ पे भी काफ़ी सुंदर जगह है यार बट मेरा मन नहीं है अभी जाने का बहुत धूप हो रही है इंस्टेड ऑफ दैट आई विल शो यू एमिनिटीज विच आर फॉर द इनडोर गेम लवर्स बहुत ज़्यादा ठंडक है यार यहाँ सिस्टम यस आओ ना तुम सुबह उठो तो अपन आ पाए अरे और सुबह उठना पड़ेगा इसके लिए काम कब करेगा इंसान सैलून है स्टीम रूम है अभी हम यहाँ आए दिस इज लेडीज सेक्शन दिस इज सैलून सो यह है योगा रूम खोल इसको अरे यार ये बंद है अभी उस दिन हम आए थे तो सब कुछ खुला हुआ था यार ये मेडिटेशन रूम है ये भी बंद होगा शायद ये बंद है अभी के लिए स्टीम रूम भी बंद है ये सब चीज़ें ना एकदम शाम को खुलती हैं या फिर एकदम सुबह खुलती हैं तो सलून वगैरह भी शाम को ही खुलता है एंड यहाँ पर यार इंडोर गेम्स हैं बहुत सारे बट वो सुबह ही खुलते हैं दिस इज़ बैडमिंटन कोर्ट इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है बहुत ही प्यारा बट ये भी अभी क्लोज्ड है इट्स बिकॉज ऑफ द टाइमिंग दिस इज़ टेबल टेनिस कोर्ट और ये शायद पूल गेम है और उसके नीचे है स्क्वैश कोर्ट बोर्ड पे दिख रहा है भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस दिन सब कुछ खुला हुआ था बट आज मे बी बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एवरीथिंग इज़ क्लोज सो अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी मैं एंड एक और रूम था जहाँ पे कैरम बोर्ड वगैरह सब कुछ रखा हुआ है ये गेम्स के पोस्टर्स लगे हैं अंदर हम गए नहीं बट इधर ICICI का ATM है ग्रॉसरी स्टोर है एंड एक रॉयल करके कोई सा बहुत शानदार वाला रेस्टोरेंट है जो सबसे ज़्यादा महंगा है पूरे इन्फोसिस में बाकी तो सब चीप रेट पर ही है ये वही है गेम्स एंड अब हम जा रहे हैं बैक टू RSDB बैग वैग उठाने अपना लैपटॉप वहीं पड़ा है काम भी करना है से सीधे सीधे जाएंगे तो आई गेस Gate 1 आ जाएगा एंड इधर Gate 4 and 6 है वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं बट मेन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने दिखा दिया और छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं और बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं भूल भुलैया टाइप एकदम सो अब इतना तो डिटेल में बहुत मुश्किल है शो करना ये हम जा रहे हैं दूसरे रोड से And now we are going to CCD. So this is CCD. CCD is basically क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है Computers and Communications Department ऐसा कुछ ना पता नहीं ओके तो हाँ SDB 4 है बट यहाँ पे है CCD Department यहीं बैठता है सो बेसिकली जैसे कुछ लैपटॉप वगैरह में दिक्कत होती है सो वी कैन शो हेयर ये वो डिपार्टमेंट का यही काम है तो यहाँ की हमें बस लिफ्ट दिखानी है एंड हाँ इधर पे लाइब्रेरी वगैरह भी है बहुत अच्छी सी इसमें बुक्स हैं
पढ़ने के लिए, स्टोरी बुक्स, बहुत अलग अलग टाइप की बुक है, काम से रिलेटेड भी काफ़ी बुक्स हैं। दिस इज अनदर फेवरेट स्पॉट, दिस इज फेवरेट स्पॉट ऑफ श्रेया। यहाँ से बहुत ही ऑसम व्यू दिखता है। अब तो ये फूल भी खिल गया है पहले यहीं पे। द सर्कल जो कि सारे रास्ते जोड़ता है, वहाँ पे गेट वन है जहाँ से हम आए थे, ये वही बिल्डिंग है जो हमें पता नहीं है, और यहाँ से दूसरे रास्ते गए हुए हैं। सो बारिश हो गई है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड हम जा रहे हैं घर। कवर्ड प्रीटी मच होल ऑफ द कैंपस। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। If you like the video, then please like the video. Please subscribe for more such content. And thanks for watching.